बिहार विधानसभा में आज बीजेपी ने बिहार में खाद्य सुरक्षा के मामले को लेकर सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों बीपीएल परिवार को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बीजेपी विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर भी जमकर हंगामा किया। इसके अलावा आज विधानसभा में धान क्रय का भी मामला उठा। राज ठाकरे के बयान पर बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। मन से नेता राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर ऑटो और टैक्सी के अगर मराठी जो नहीं है उनको अगर परमिट दिया जाएगा तो ऐसे लोगों को चौक पर जलाने का काम किया जाएगा। हमने प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से क्षेत्रीयवाद करने वाले लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिनके साथ सरकार अपना सहयोग ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर भारत सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को देश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एमएनएस नेता राज ठाकरे पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राज ठाकरे के उस आरोप पर पलटवार किया है जिसमें राज ने नए रजिस्ट्रेशन वाले ऑटो में आग लगाने और ड्राइवर की पिटाई करने की बात कही थी। महाराष्ट्र और देश किसी के बाप की जागीर नहीं है और ये देश सबों का देश है और खास तौर पर महाराष्ट्र में लगातार शुरू से ही चाहे शिवसेना हो या मनसा के लोग हों, राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, ये लोग हमेशा से उत्तर भारतीय बिहारी और यूपी के लोगों को हमेशा से इस तरह का वहाँ तंग करने का काम कर रहे हैं और वहाँ फिलहाल में भाजपा की सरकार है और बीजेपी की सरकार कोई कदम और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी कितने बिहार के लोग, कितने यूपी के लोग वहाँ जा कर के काम करते हैं, अपना रोज़गार बसाने का काम करते हैं, वहीं से अपना घर चलाने का काम करते हैं। तो यही अपील करते हैं कि राज ठाकरे जी अपने बाप की जागीर ना समझे महाराष्ट्र को और देश को। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राज ठाकरे के बयान की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने इस बयान के लिए राज ठाकरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। बहुत ही बुरा बयान, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो गए हैं। किसी भी देश में किसी भी नागरिक को कहीं किसी भी राज्य में काम करने का पूर्ण अधिकार है और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आग्रह करेंगे कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक शकील खान ने राज ठाकरे के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आज हम सब लोगों ने सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी कही है। राज ठाकरे बुनियादी तौर पर एक बहुत ही छोटे मानसिकता के व्यक्ति हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि बार बार इस तरह का बयान दे करके वो कहना क्या चाहते हैं। पूरा देश सबका है और सभी लोग इस देश में रहते हैं, अपने अपने काम करते हैं और ख़ास तौर पर बिहार का लोग तो बहुत ही सम्मान के साथ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों के काम आता रहा है और उसके खिलाफ जिस तरह का वातावरण की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर नोट लेने की ज़रूरत है। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के वैशाली आगमन को लेकर सुरक्षा का जायजा लेने दिल्ली से एसपीजी और एनएसजी के अधिकारी चौकिया गांव पहुंच गए हैं। एसपीजी और एनएसजी के अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वैशाली के चौकिया गांव आ रहे हैं। पीएम के आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने बताया कि वैशाली जिले में चुनाव के समय हुए दोनों कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम बड़ा होगा। लोग बिना किसी परेशानी के प्रधानमंत्री का भाषण सुन सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। नवादा में बिजली कर्मी की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने एनएच 31 को घंटों जाम रखा। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। बताया जाता है कि बेखौफ अपराधियों ने देर रात ऑफिस में घुसकर बिजली कर्मी को गोली मार दी। घायल बिजली कर्मी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र में बीती रात डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। महदीपुर गांव में अशोक साह के घर डकैतों ने नकदी और गहनों की लूटपाट की। इस दौरान घर में मौजूद पुरुष सदस्यों की जमकर पिटाई की गई।
डकैतों की पिटाई से दो लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। सारण एसपी का कहना है कि बुधवार की रात डोरीगंज और मंगलवार की रात सोनपुर में हुई घटना को एक ही ग्रुप के लोगों ने अंजाम दिया है। पुलिस उन लोगों को जल्द गिरफ्तार करेगी। रोहतास जिले के डेहरी ओनसोन से 1 मार्च को लापता दो कारोबारियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए केस दर्ज कराया है। लापता युवकों में एक धनंजय सिंह गल्ला कारोबारी है और आरजेडी का जिला महासचिव भी है, जबकि दूसरा युवक पिंटू सिंह शराब का कारोबारी है। बताया जाता है कि दोनों 1 मार्च को एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए वाराणसी जा रहे थे, लेकिन वाराणसी पहुंचने से पहले ही लापता हो गए। काफी छानबीन के बाद पता चला कि NH2 पर शिवसागर के टोल प्लाजा पर दोनों ने अपने इंडिका कार की पर्ची भी कटवाई, लेकिन शादी समारोह में नहीं पहुंचे। पुलिस ने पहले गुमशुदगी का केस दर्ज किया, लेकिन जब दोनों कारोबारियों का सुराग नहीं मिला तो एसपी के निर्देश पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। सहरसा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नवहट्टा निवासी चंदन दास का कहना है कि बीती रात वो अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल आए तो वहां मौजूद महिला डॉक्टर और नर्स ने 10,000 रुपए की मांग की। पैसा नहीं दे पाने के कारण उनकी पत्नी का इलाज नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। उधर सिविल सर्जन का कहना है कि जांच के बाद अगर अस्पताल का कोई भी कर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहरसा में बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने अनिल गिरी नाम के शख्स को गोली मार दी। सदर थाना क्षेत्र के गांधी पथ में यह वारदात हुई। अनिल को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पटना जिले के विक्रम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र ओम प्रकाश पिछले दिनों से लापता है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सातवीं कक्षा का छात्र ओम प्रकाश 6 मार्च को अपने घर गया था। 8 मार्च को ओम प्रकाश घर से विक्रम के लिए चला, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। ओम प्रकाश अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ओम प्रकाश 6 मार्च को छुट्टी लेकर घर गया था। 9 मार्च को जब वो स्कूल नहीं आया तब परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मोतिहारी में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल 4 कारतूस बरामद किए गए। दोनों अपराधियों पर मीना बाजार के मतुलिया मैचिंग सेंटर में लूटपाट और दुकानदार को गोली मारने का आरोप है। गिरफ्तार अपराधियों में नाका थाने का ड्राइवर शमशाद भी शामिल है। अब पुलिस इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 6 मार्च को जो शाम के समय मीना बाजार में बमबाजी और गोलीबारी की जो घटना हुई थी, उसका पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें 2 व्यक्ति ब्रज बिहारी और शमशाद अली, इन दोनों को रघुनाथपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इस घटना में अपने शामिल होने की बात को स्वीकार किया गया है। नवादा में दबंगों ने सैकड़ों घरों को जलाने के मामले पर नवादा के पुलिस कप्तान ने एक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि मामला दबंगई से जुड़ा है। नवादा एसपी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि करीब 30-35 पलानी जल गई है, लेकिन ये घटना का कारण क्या था आग लगने का स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वहाँ पर उन्हें कंपनसेशन जिलाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि यह LJP नेता ब्रजनाथी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुनील राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुनील राय की गिरफ्तारी बंगाल पुलिस ने की। 5 फरवरी को ब्रजनाथी सिंह को AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना जिला अंतर्गत ब्रजनाथी सिंह हत्या प्रकरण में इस घटना के नामजद अभियुक्त सुनील राय को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त सत्यप्रकाश उर्फ सत्या को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ चल रही है ताकि इसमें और लोगों की गिरफ्तारी हो सके और वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद।
नालंदा में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित के पिता ने इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। नहीं न्याय मिलेगा तो हम पूरे परिवार सुसाइड कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज जिंदगी जी रहे हैं तो कैद बनकर जी रहे हैं। हमारे बाल बच्चा सभी को पढ़ाई अंधकार में हो गया है, अंधकार में हम लोग हैं। अब इसका उबारा तो सरकार ही करेगी, या ना करेगी तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मुजफ्फरपुर में बम बनाने के दौरान एक घर में विस्फोट हो गया जिसमें बेतिया का अपराधी धर्मेंद्र जख्मी हो गया जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। विस्फोट में घायल धर्मेंद्र को SKMCH में भर्ती कराया गया है। एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में सराफा व्यापारियों की हड़ताल जारी है। पटना में सराफा कारोबारियों ने सोना चांदी की जगह चाय और फल बेचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कारोबारियों ने सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की है। बिहार काउंसिल ऑफ वुमेन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। लेडी स्टीफन्स हॉल में आयोजित झारखंड विधानसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लंबित ध्यानाकर्षण को लेकर आज 10 बजे से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। कार्यवाही शुरू होते ही JMM विधायकों ने झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन और सम्मान का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सरकार पर जमीन की कीमत घटाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक उनकी पार्टी सदन को नहीं चलने देगी। तो ये सरकार, ये रघुवर सरकार उद्योगपतियों को पूरी तरीके से फायदे पहुंचाने का काम कर रही है और इस साल की पहली उपलब्धि लोगों की 1000 करोड़ का घोटाला, जहां 1.5 करोड़ लोगों को मिलना था अब उनको 13 लाख रुपए मिलेंगे। और ये निर्णय सरकार के नौकरशाह और सरकार के मंत्री मिलकर पूरी खिचड़ी पकाते हुए सरकार का और इस राज का नुकसान करने की तैयारी में। वही JVM विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पहले जहां रैयतों और किसानों को 1 एकड़ जमीन के बदले 1.25 करोड़ रुपए मिलते वहीं सरकार के फैसले के बाद अब उन्हें मात्र 13 लाख रुपए मिलेंगे। हम लोगों का एतराज इस बात का है कि भाई एक तरफ वहाँ रेलवे भी जमीन के अधिग्रहण कर रही है, रेलवे जैसी जो भारत सरकार के उपक्रम है वो वहाँ 58 लाख रुपया प्रति एकड़ आज वहाँ के रैयतों को मुआवजा दे रही है। NHI 75 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है जो भारत सरकार का उपक्रम है। तो भाई जब राज्य सरकार स्वयं न लेकर के किसी प्राइवेट पार्टी को उद्योगपति को इतना कम दाम पर दे रहा है तो शक का सुई जाना स्वाभाविक है। संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने उल्टे विपक्ष पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर कोई मामला सदन में लाया ही नहीं है। स्थानीयता के बारे में मुख्यमंत्री ने पहले भी घोषणा किया है, अभी घोषणा करते रहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पर इस बार विधानसभा अभी तक ये विषय उठा नहीं है। JPSC के परीक्षाफल के बारे में बात उठता है मगर उसमें आरक्षण का है और कई मुद्दे उठते हैं, इसलिए ये स्थानीयता के बारे में ही विपक्ष सब चिंतित अभी हैं, ऐसा इस पर दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन झारखंड विधानसभा में JVM विधायक प्रदीप यादव ने नगर विकास विभाग के मास्टर प्लान के बारे में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एडवाइजरी कंपनी ने 27 शहरों के लिए करोड़ों की लागत से बनाए गए मास्टर प्लान में विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर गड़बड़ी की है। इस मामले पर विभागीय मंत्री CP सिंह ने कहा कि पूरी जानकारी के बाद वो जवाब देंगे। कोई भी जब परामर्शी का हम लोग चयन करते हैं, सरकार चयन करती है, तो उसके लिए ऑनलाइन ई टेंडरिंग करती है अध्यक्ष महोदय, और उसी के माध्यम से सारे फाइनेंशियल बिट होता है और उसके अंदर जो L1 होता है उसको दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। झारखंड के जामताड़ा जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता का खुलासा हुआ। JVM विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यह मामला उठाया।
विधानसभा में प्रदीप यादव ने बताया कि पथ प्रमंडल जामताड़ा की 5 सड़क बनाने का जिम्मा हैदराबाद की कंपनी केसीपीएल को दिया गया है, जबकि केपीसीएल दूसरी एजेंसियों के जरिए काम करा रही है। सरकार ने इस मसले पर सदन में जवाब दिया। झारखंड के बीआरपी सीआरपी कर्मी आज से रांची के बिरसा चौक के सामने धरना दे रहे हैं। इनकी 5 मांगे हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के आधार पर वेतनमान, सामूहिक जीवन बीमा और शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की धमकी दी है। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर रांची में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे मनरेगा कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुंदन कुमार को सेंट्रल बैंक में खाता संबंधी जानकारी लेने के लिए बुलाया गया था। कानपुर की साइबर सेल टीम ने कुंदन के खाते को ट्रेस किया था, जिसमें गलत तरीके से पैसे का लेन देन किया जा रहा था। खूंटी के लापुंग पंचायत के साथ गांवों के 17 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट किया। इस दौरान आसपास के गांव से कई ग्रामीण भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस के अभियान का विरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की गरीब महिलाओं को आज एक बड़ा तोहफा दिया है। बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं और सरकार मुफ्त में एलपीजी गैस का कनेक्शन देगी। आज केंद्रीय कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया। 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने आम बजट में बीपीएल महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। जेटली ने कहा था कि गरीब परिवार को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए विशाल मिशन शुरू करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पीएम की फंक्शनिंग की स्टाइल के बारे में मैंने पूछा था कि आप लोगों को बताते नहीं हो। नागालैंड का मैंने उदाहरण दिया और पाकिस्तान में जो हमारी सरकार का पूरा काम था उन्होंने अपने एक एक्शन से नष्ट किया, उसके बारे में मैंने पूछा। राहुल ने माल्या मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर लिया। दिल्ली में यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को एनजीटी की मंजूरी मिल गई है। साथ ही एनजीटी ने इस कार्यक्रम के एवज में श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यमुना नदी के किनारे होने वाले श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को लेकर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। सदन में विपक्ष ने इसको गंभीर मामला बताते हुए इस पर चर्चा की मांग उठाते हुए हंगामा किया। दरअसल श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम की तैयारी में सेना के जवानों को लगाए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। इस कार्यक्रम की तैयारियों में सेना यमुना नदी पर पंटून ब्रिज यानी तैरने वाले पुल का निर्माण किया है। वहीं पुल निर्माण में सेना के जवानों के इस्तेमाल को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सही नहीं बताया है। अवैध शिकार से जुड़े एक मामले में सलमान खान आज राजस्थान के जोधपुर कोर्ट पहुंचे। बयान दर्ज कराते हुए सलमान ने खुद को बेगुनाह बताया। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कोर्ट में जाति पूछे जाने पर खुद को इंडियन बताया। सलमान खान के खिलाफ 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का मुकदमा चल रहा है। इसमें लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। उस दौरान उन पर ऐसा हथियार रखने का आरोप लगा जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप का बहुचर्चित मुकाबला धर्मशाला के बजाय कोलकाता में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धर्मशाला में होने वाले मैच को लेकर सुरक्षा आशंकाओं के कारण अपनी टीम की भारत रवानगी टाल दी थी। दरअसल हिमाचल सरकार के साथ साथ पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार और कुछ संगठन धर्मशाला में मैच कराने का कड़ा विरोध कर रहे थे, जिसके बाद धर्मशाला में होने वाले मैच को कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है।